धन्यवाद दें उस प्रभु को, अपनी आँखों को बंद करें, कुछ पल उस परमेश्वर के साथ बिताए जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारी मनों की बातों को जानता है। धन्यवाद दें उस प्रभु को, धन्यवाद दें उस परमेश्वर को जो हमारे मन की बातों को जानता है और हर एक बातों में हमारी सहायता करता है। वो प्रेमी पिता है, उसे हम प्रेम करें, उससे हम प्रेम करें, क्योंकि वही सच्चा खुदा है। धन्यवाद हो प्रभु। Thank you.
जीसस। Thank you, Jesus. Father, we praise you, Lord. We give you all glory, Daddy. You are worthy to be praised, Lord. आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आइए क्यों ना आज के समय में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी भलाइयों के लिए। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। आइए क्यों ना उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा है मजदार में से तोड़ने को पर्दे गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा है मझदार में से तोड़ने को पर्दे गया।
करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे जितना प्रभु को धन्यवाद दे उतना कम है, हम जितनी उसकी आराधना करें उतना कम है। प्रभु भला है और वो हर समय भला करता है। हमारे जीवन में जो प्रभु ने योजनाएं बना कर रखी है वो भले के लिए बना कर रखी है। वो जो करता है, जिस प्रकार से करता है, उसके कार्य हर समय अद्भुत होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती है। कई मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम मसीह के कहलाते हैं तो हमारे जीवन में कभी समस्याएं आना ही नहीं चाहिए। कई लोगों को की प्रार्थना ऐसी होती है कि प्रभु यदि मैं आपकी सेवा करता हूं या मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या मैं चर्च जाता हूं, प्रभु मेरे जीवन में कभी समस्याएं आनी ही नहीं चाहिए। उन्हें समस्याएं एक ऐसे पहाड़ के जैसी, एक ऐसे पत्थर के जैसे लगती है कि वो पत्थर उन्हें रोकने के लिए आया है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह लोगों के जीवन में जब भी आपको रोकने के लिए कोई पत्थर सामने आता है, वो शैतान की तरफ से यदि भेजा गया है वो इसलिए आता है कि वो आपको रोक दे। मगर सुनिएगा ध्यान से, जब आप प्रभु के कहलाते हैं आपको उस पत्थर को देखकर रुकना नहीं है, मगर उस पत्थर पर पैर रखकर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है। आपके जीवन में हर पत्थर जो है आपको रोकने के लिए नहीं, मगर कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो आपको आपके नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि गोलियात जो था वो दाऊद के जीवन में आया ही क्यों, क्यों दाऊद की लाइफ में गोलियात की एंट्री हुई। मगर मुझे आपसे कहने दीजिए, यदि गोलियात दाऊद के लाइफ में नहीं आता, यदि दाऊद गोलियात का सामना नहीं करता, उसे नहीं मारता, तो कभी भी लोग दाऊद को एज ए किंग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि दाऊद को अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए गोलियात से लड़ना और उसे मारना जरूरी था। आपके जीवन की समस्याएं जब आपके सामने आती है, वो आपको आपके सामने इसलिए नहीं आती कि आपको खत्म कर दे, मगर ध्यान रखिएगा, हर एक परीक्षा के बाद, हर एक एग्जाम के बाद आप एक नए लेवल और एक नई क्लास में पहुंचते हैं। आज मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करना चाहता हूं और उसका टाइटल है, समस्याएं भी जय देने के लिए आती है। आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम आपको विजय देने के लिए आती है। आपके लाइफ में तकलीफें भी कई बार आपके जीवन में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आती है। बाइबल कहती है 2 Chronicles chapter 20, दूसरा इतिहास इसके 20वें अध्याय में बाइबल में लिखा हुआ है, यहोशापात करके एक व्यक्ति का, एक राजा का जिक्र किया गया है। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। बाइबल कहती है कि यहोशापात को एक दिन पता चला, कुछ लोगों ने आकर बताया कि दूसरे देश से कई मोआबी, कई अम्मोनी और कई मुनि लोग जो है तुझ पर आक्रमण करने के लिए, तेरे लोगों पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। वे मोआबी और अम्मोनी और वो कई सारे मुनि जो थे वो बहुत ज्यादा लोग हैं। बाइबल कहती है एक साधारण व्यक्ति की तरह यहोशापात पहले डर गया, मगर फिर जब आप आगे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे यहोशापात को यह बात पता चली वो डर जरूर गया, मगर वो क्या करता है बाद में, बाइबल में लिखा हुआ है वो यहोवा की खोज में लग गया। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जब आपकी लाइफ में टेंशन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करने की जरूरत है, आपको लोगों को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी कौन
हेल्प करेगा उस व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है, मगर जैसी आप समस्या को देखें आपको प्रभु को खोजने की जरूरत है। बाइबल कहती है यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया और संपूर्ण यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशापात ने उस युद्ध को लड़ने के लिए अपने सैनिकों से यह नहीं कहा कि जाओ और बहुत अच्छे से भोजन करो, ताकतवर बनो, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है, मगर वो कहता है कि उसने सब लोगों से कहा उपवास और प्रार्थना करो। बाइबल कहती है हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध जो है वो शैतान और शैतान के हाकिमों से है। आप वर्ल्ड की बैटल जो भी आपके सामने आ रही है आप फिजिकली उससे लड़कर जीत नहीं सकते, मगर जब आप अपनी समस्याओं को देखते हैं सबसे पहली बात अपने जीवन में करिए आप प्रभु की खोज में लग जाए, और प्रभु की खोज का सबसे बेहतर तरीका है आप उपवास और प्रार्थना में लग जाए। कई लोग उपवास दुबला होने के लिए कर सकते हैं, मगर सुनिएगा उपवास का मेन उद्देश्य जो होता है प्रभु के और नजदीक जाने के लिए, प्रभु को और जानने के लिए है। बाइबल कहती है जैसे यहोशापात को पता चला उसने अपने लोगों से कहा उपवास करना प्रारंभ करते हैं, उसने अपने लोगों से कहा प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वो जान गया था इस युद्ध को मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा है और हम थोड़े से हैं। आपकी समस्याएं गोलियां जितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर जब आप प्रभु के साथ खड़े होते हैं, इफ यू आर विद जीसस यू आर इन मेजोरिटी, यदि आप यहोवा परमेश्वर के साथ हैं आप उस ज्यादा लोगों की भीड़ में शामिल हैं। बाइबल कहती है जब यहोशापात को पता चला यहोशापात ने सब लोगों से कहा कि उपवास करो प्रार्थना करो। फाइनली जब वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति पर उतरा और उसने कहा कि परमेश्वर यो कह रहा है वे लोग तुम्हें मारने के लिए निकले तो है मगर तुम भी उनसे युद्ध करने के लिए चलो। फिर बाइबल कहती है प्रभु के वचन के अनुसार ये युद्ध करने के लिए निकले। कई मसीह लोगों को लगता है कि यदि यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा तो हमें घर पर सोना है आराम से। नहीं, प्रभु चाहता है कि आप शैतान का सामना करें, प्रभु से लड़ेगा मगर खड़े आपको रहना है। बाइबल कहती है यहोशापात ने अपने लोगों को लिया और वे उन लोगों का सामना करने के लिए निकले। मोआबी अम्मोनी और कई मुनि बहुत सारे लोग थे मगर यहोशापात और उसके लोग थोड़े थे। जब ये रास्ते से जाने लगे यहां पर एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ जो इस समय वचन से पहले हम लोग कर रहे थे। बाइबल कहती है कि जब वे जा रहे थे उनमें से एक ग्रुप निकला, जब वे युद्ध करने के लिए जा रहे थे कुछ लोग उठ खड़े हुए और वे प्रभु की आराधना करने लगे, वे प्रभु को धन्यवाद देने लगे। अगर मैं और आप उन लोगों के जगह होते तो हम प्रभु से प्रार्थना कर कहते हैं प्रभु वो इतने सारे लोग हैं हम थोड़े से हैं, और हम डर के मारे आंसू बहाते रोते। मगर बाइबल कहती है जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे इन लोगों ने आराधना करना प्रारंभ किया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप दूसरा इतिहास 20वां अध्याय की 22वीं आयत में पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहोशापात और उसके लोग युद्ध करने के लिए निकल गए मगर उनका एटीट्यूड कि हम युद्ध करने जा रहे हैं हम रोएंगे नहीं हम घबराएंगे नहीं हम ऐसे समय में प्रभु को धन्यवाद देंगे, और जब वे थोड़े होने के बावजूद कमजोर होने के बावजूद वीक होने के बावजूद प्रभु को धन्यवाद देना उन्होंने प्रारंभ किया। बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया सेम उसी टाइम पर परमेश्वर ने अपने दूतों को बैठाकर वहां पर उन लोगों को जो मोआबी अम्मोनी थे उन सबको मार डाला। जब ये लोग फाइनली वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं जो मोआबी अम्मोनी और कई मुनि लोग यहोशापात और उसके लोगों को मारने के लिए आ रहे थे वे सबके सब मरे हुए पड़े। वे गए और जैसा पुराने समय में होता था यदि आपने किसी राज्य पर अधिकार कर लिया है आप उनके गहने और उनके सामान को लूट लोगे। ये गए और जाकर उन्होंने लूटना प्रारंभ किया
बाइबल कहती है जब उन्होंने लूटना प्रारंभ किया, पहले दिन वे लूटते रहे, मगर लूट इतनी ज्यादा थी वे पूरे दिन भर में उसे लूट ना सके। उन्होंने डिसाइड किया आज तो बहुत लूट लिया, कल फिर से इन्हें लूटेंगे। दूसरे दिन वे सुबह उठे और फिर से लूटने लगे, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। वे दूसरे दिन फिर से उन्हें लूटने लगे, मगर दूसरे दिन भी लूट खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन वे फिर से उठे और उन्होंने लूटना प्रारंभ किया उन्हें उन मरे हुए लोगों की वस्तुओं को, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। एक राजा जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था उनके सामान को, उनके हर एक चीजों को लूट लेता था। ये तीन दिन तक बड़ी लूट लूटते रहे। यदि यहोशापात के जगह पर हम होते तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु इतने सारे लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, आप कितने निर्दयी हैं प्रभु, आपको नहीं लग रहा हम थोड़े और इतने सारे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। मगर मैं इस बात को जानता हूं कि जब उन्होंने लूटना प्रारंभ किया होगा, उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देकर कहा होगा, प्रभु धन्यवाद देते इतने सारे लोग थे इसलिए लूट बड़ी मिली है। और इसलिए मैं कहता हूं जितनी बड़ी समस्याएं होती है प्रभु उतनी बड़ी लूट आपके जीवन में देता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में होकर गुजरती है उतनी ज्यादा आशीष प्रभु आपके जीवन में लेकर आता है। आप अपनी लाइफ में जितनी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप उतनी बड़ी लूट को लूट लेंगे यदि यहोवा आपकी ओर है तो। यहोशापात और उसके लोगों को अगर ऐसा लगता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, इतने लोग हमें क्यों मारने के लिए आ रहे हैं, वे अपने जीवन में इतनी बड़ी लूट कभी नहीं लूट पाते, तीन दिन तक लूटते रहे, मगर जब उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया वो समस्याएं उन्हें जय देकर गई। आपके जीवन में आपकी समस्या आपको जय देने के लिए आई है। आप आज कोई भी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे, कोई भी तकलीफ से होकर गुजर रहे, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इस समस्या में से निकल जाएंगे, आप इस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। मगर एक बात ध्यान रहे, इस समस्या से लड़ते समय यहोवा के हाथ को नहीं छोड़ना, इस प्रॉब्लम से लड़ते समय प्रभु के हाथ को नहीं छोड़ना। और यदि आपने प्रभु के हाथ को नहीं छोड़ा, प्रभु आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है उस यीशु का नाम इम्मानुएल है, अर्थात यहोवा हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है। मैं बिलीव करता हूं यदि आप कोई भी प्रॉब्लम में से होकर आज गुजर रहे हैं, ये वर्ड आपके लिए है और परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें उन प्रॉब्लम में से निकाल लूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़ कर रखना। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी समस्या को, अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हैं, जैसे बाइबल कहती है उस यहोशापात के उस टीम से, उन लोगों में से कुछ लोग निकले और प्रभु की आराधना करने लगे। आइए प्रभु की आराधना करते हैं, हाथों को उठाए। जब आप आराधना करेंगे स्पिरिचुअल रेल्व में, आत्मिक वातावरण में, आपके शत्रु और आपकी समस्या का खुदा नाश करने जा रहा है। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। यदि आप समस्या में भी है धन्यवाद दे, यदि आप आंसुओं में भी है प्रभु को हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, जो अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सीजन से होकर गुजर रहे हैं, तराई के अनुभव से होकर गुजर रहे हैं, आंसू और समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, शायद कोई बीमारी से होकर गुजर रहा होगा, शायद कोई आंसुओं से होकर गुजर रहा होगा, शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, प्रभु आज आप उनसे कह रहे हैं समस्या चाहे गोलियात के जैसे बड़ी क्यों ना हो, तू मेरे नाम से खड़े हो जा।
समस्या चाहे मोआबी और अम्मोनियों जैसी क्यों ना हो, तू मेरे साथ खड़े हो जा। प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपकी आनंद उनके जीवन में आने पाए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।